ये कहानी काल्पनिक है, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। तुम साइमन नहीं, तुम साइमन नहीं, अब तुम अपनी पुरानी सारी यादें धीरे धीरे भूल जाओ। श्वेता तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। मैं श्वेता को नहीं जानता। ये बहन मेरा पीछा पिछले एक घंटे से कर रही है। ओहो, ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? मिशन है कंप्लीट कैप्टन, हमने उस लड़की के साथी को मार दिया। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स कैप्टन, उसकी चिता तो मेरे सामने ही जल रही है। साइमन, साइमन, हाँ यही नाम था उस लड़के का जिसे श्वेता आज भी पागलों की तरह याद करती है। 2 साल पहले अपनी शादी के ही दिन श्वेता को पता चला कि साइमन बिना बताए कहीं गायब हो गया। वो अकेली पुलिस स्टेशन मदद मांगने के लिए चली गई, वहाँ भी उसका कोई नहीं सुन रहा था। पर तभी एक महिला पुलिस ऑफिसर ने उसे पूछा कि क्या साइमन इस शादी से खुश नहीं था। श्वेता ने उसे जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो काफ़ी खुश था इस शादी को लेकर। उस महिला पुलिस ऑफिसर के भाव कुछ गमगीन हो गए, क्योंकि शायद एक औरत होने के नाते वो उसके दर्द को समझ पा रही थी। पर उसका साथी वो खड़ूस पुलिस वाला श्वेता का मजाक बनाते हुए उसने कहा कि चलो कम से कम वो लड़का बर्बाद होने से बच गया, और वैसे भी शादी करके किसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। उसकी ये वाहियात बातें श्वेता के लिए किसी गाली से कम नहीं थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर श्वेता एक संतुलित लड़की थी, वो हालात की गंभीरता को समझ रही थी। उसे पता था कि अगर अभी उसने ऑफिसर को कुछ कहा तो उस पर बैकफायर कर जाएगा और वो उसे जेल में बंद कर देगा। श्वेता ने खुद को संभालते हुए लत भरी आवाज़ में उनसे मदद के लिए गुहार लगाई। उस ऑफिसर ने फिर उस पर एक गंदा कमेंट किया, पर इस बार उस महिला ऑफिसर ने उसे डांटते हुए चुप रहने को कहा। उस महिला ऑफिसर ने श्वेता से प्यार से कहा, अच्छा मुझे सब शुरू से बताओ। 6 महीने पहले ही वो दोनों मिले थे और पहली मुलाकात में ही बात शादी तक पहुंच गई। श्वेता और साइमन दोनों ही आर्किटेक्ट थे। कहते हैं कि जब सोच मिलते हैं तो रिश्ते बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही श्वेता और साइमन के साथ भी हुआ था। साइमन अभी आर्किटेक्ट फील्ड में पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ था, वो अभी सीख रहा था। शायद यही वजह थी कि श्वेता के पेरेंट्स इस रिश्ते को लेकर कुछ खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि जो लड़का अभी पूरी तरह से सेटल भी नहीं हुआ वो उनकी बेटी को किस हालत में रखेगा, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने श्वेता को ऐशो आराम की जिंदगी दी थी। वो लोग श्वेता की शादी एक रईस परिवार में करना चाहते थे, ना कि एक नकारे अनाज से। श्वेता जानती थी कि उसके पेरेंट्स इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं हैं। अभी वो महिला पुलिस ऑफिसर आए कुछ और पूछने ही वाली थी कि श्वेता के पेरेंट्स वहाँ आ गए। उसके डैड के हाथ में एक लेटर था जिसे लेकर वो रोने सी सूरत बनाए कहने लगे कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया हमेशा हमेशा के लिए, और उसने ये लेटर तुम्हारे लिए छोड़ा है। ऑफिसर ने कहा, ये तो मैं पहले ही जानता था। श्वेता का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसने उस लेटर को पढ़ना तो दूर, देखने से तक इनकार कर दिया। उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी, पर शायद ये उसके घाव भरने के लिए काफ़ी नहीं था। कुछ महीनों में ही श्वेता अपनी सारी तकलीफें भूल गई थी, पर साइमन को भुला पाना उसके लिए अब भी मुश्किल था। श्वेता एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रही थी, उसकी बॉस का नाम मीरा था। एक्चुअली ये कंपनी मीरा के डैड की थी, पर रिटायरमेंट के बाद ये कंपनी उन्होंने अपनी इकलौती बेटी मीरा के नाम कर दी थी। मीरा बहुत घमंडी थी, अपने एम्प्लॉयज़ को नीचा दिखाने के लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसके इस बर्ताव की वजह से ही उसकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ उससे नफरत करते थे। एक दिन मीरा ने श्वेता को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। उसने कहा कि आज हम दोनों डेट पर जा रहे हैं, तो आज ऑफिस का सारा काम तुम्हें ही देखना होगा। मीरा श्वेता को यह सब इसलिए बता रही थी ताकि श्वेता उससे जलस फील करे। तभी अचानक वहाँ पर मीरा का बॉयफ्रेंड सैम आ गया। सैम को देखकर श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सैम बिल्कुल साइमन की तरह दिखाई देता था। वही आंखें, वही चेहरा,
सब कुछ हूबहू साइमन के जैसा था। एक दिन एक होटल के प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीरा ने श्वेता और सैम को सैल्मन क्रीक जाने को कहा। शाम होने में अब कुछ ही घंटे थे। वो दोनों वहां जंगल में उस साइट पर पहुंचे। श्वेता को वो जगह कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही थी क्योंकि वो एक ट्रू नेचर लवर थी। सैम ने उसे बताया कि लोग कहते हैं कि यह जगह सुपर नेचुरल चीजों से भरी हुई है। सैल्मन क्रीक में देवता और शैतान दोनों का वास होता है। श्वेता को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने थोड़ी दबी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि आज के इस मॉडर्न टाइम में लोग इसमें विश्वास रखते होंगे। सैम ये समझ चुका था कि श्वेता को यह सब सिर्फ एक झूठी कहानी लग रही है। तभी श्वेता ने नोटिस किया कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं है। सैम ने कहा कि इसमें ताज्जुब होने वाली कोई बात नहीं क्योंकि ये जंगल शहर से काफी दूर है, इसलिए नेटवर्क यहाँ पर लगभग ना के बराबर आता है। श्वेता ने कहा, वैसे फिलहाल तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तो चलो हम अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पर अचानक मौसम बदलने लगा, ठंडी हवाएं चलने लगी और तभी जोर से बादल गरजा और बिजली चमकी। सैम ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वो दोनों कार के अंदर आ गए। सैम कार स्टार्ट करने की लाख कोशिश कर रहा था पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब जैसे ही वो दोनों नीचे उतरे बारिश शुरू हो गई। सैम ने श्वेता से कहा, यहाँ पास में ही एक कॉटेज है, हमें जल्दी से वहाँ चलना होगा। वो दोनों भागते हुए कॉटेज के अंदर पहुँच गए। रात हो चुकी थी और मीरा यहाँ ऑफिस में परेशान उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी। उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया बता रहा था। अंदर आते ही सैम ने कहा, मैं अपने ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। पर श्वेता का ध्यान तो कहीं और था, शायद वो सैम और साइमन के चेहरे के रहस्य में ही उलझी हुई थी। सैम कॉल करने लगा पर कॉल ना लगने की वजह से उसने फोन काट दिया। तभी अचानक एक जोर की बिजली गिरने की आवाज आई जिससे लाइट्स फ्लिकर करने लगी। श्वेता बेहद डर गई थी। सैम ने उसे तसल्ली दी, शायद मौसम खराब होने की वजह से इस एरिया का पावर कट कर दिया गया है। उसने फिर कॉल करने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। सैम ने कहा कि आज मौसम विभाग ने पूरे सोलोमन क्रीक में रेड अलर्ट जारी किया है, तो आज की ये रात हमें यहीं बितानी होगी। बाहर हर तरफ केवल तूफानी बारिश हो रही थी। करीब 2 घंटे बाद बारिश रुक गई, चारों तरफ केवल पानी ही पानी था। सैम ने कहा, ठंड बढ़ रही है, हमें जल्दी से बाहर जाकर किसी से मदद मांगनी चाहिए। श्वेता ने कहा, हो सकता है कि तूफान फिर से आ जाए। सैम ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पर श्वेता ने सैम को रोक लिया। उसने कहा कि हम साथ आए हैं तो बाहर भी साथ ही जाएंगे। इसके बाद वो दोनों बाहर आ गए। कुछ दूर आने के बाद सैम ने कहा, ये जंगल शहर से काफी दूर है और ठंड भी बढ़ रही है, तो हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, हमें कॉटेज में ही इंतजार करना होगा। मीरा हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। श्वेता ने कांपते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं तो इस ठंड में जम जाऊंगी। कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद वो दोनों कॉटेज में वापस जाने लगे। चलते चलते अचानक श्वेता को दर्द का एहसास हुआ। उसने नीचे अपने पैरों को देखा, कटीले झाड़ियों की वजह से उसका पैर जख्मी हो गया था। अंदर आने के बाद सैम ने कहा, ये चोट काफी गहरी है। सैम ने अपनी कोट और शर्ट उतार दी। तभी श्वेता ने उसकी छाती पर एक गहरा कटा हुआ निशान देखा। वो सोच में पड़ गई। उसे लगा था कि अब साइमन वापस आ गया है, पर ऐसा नहीं था क्योंकि साइमन की छाती पर तो कोई निशान ही नहीं था। पर फिर भी उसने सोचा कि हो सकता है कि ये चोट उसके गायब होने के बाद लगी होगी। वो अभी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी सैम ने अपनी शर्ट फाड़ कर उसके घाव पर बांध दिया। श्वेता ने उसका शुक्रिया अदा किया। इधर उसके घर श्वेता का बेस्ट फ्रेंड जॉन उससे मिलने काफी सालों के बाद आया था, पर वहाँ उस वक्त सिर्फ उसकी बहन आरोही ही थी। आरोही श्वेता की छोटी बहन थी। जॉन ने आरोही से पूछा कि श्वेता कहाँ है, पिछले 2 दिन से वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही है। उसने आरोही के सामने ही उसे फिर से कॉल किया, पर अब भी उसका फोन आउट ऑफ सर्विस बता रहा था। वो दोनों श्वेता को लेकर काफी घबराए हुए थे। इधर श्वेता और सैम जंगल में उसी कॉटेज में फंसे हुए थे। जंगल में उस सन्नाटे के बीच जानवरों की वो अजीब आवाजें दिल को दहला देने के लिए काफी थी। श्वेता डरी हुई थी। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मैं आज रात किसी जंगली जानवर का खाना बन जाऊं। सैम ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, चिंता मत करो, इंसान से बड़ा जानवर आज तक पैदा ही नहीं हुआ। श्वेता ने बातों ही बातों में उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसने पूछा, वैसे तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं। ये सुनकर सैम उदास हो गया। वो बिना कुछ बोले जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। श्वेता ने फिर प्यार से कहा, अच्छा अगर नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। सैम श्वेता के करीब आकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि हो सकता है कि तुम उस दर्द को सह ना पाओ, पर अगर तुम यही चाहती हो तो सुनो, मैं अनाथ हूँ। बचपन में एक कार एक्सीडेंट में मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया और ये निशान उस मनहूस दिन को बयां करती है। मैं उस एक्सीडेंट से बच तो गया पर पूरी तरह अकेला हो गया। फिर मीरा ने मेरी मदद की और आज मैं जो भी हूँ तो केवल उसी की वजह से। श्वेता ने कहा, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। तभी अचानक उन दोनों को जॉन और मीरा की आवाज सुनाई दी। वो दोनों बाहर ही थे। फाइनली वो दोनों अंदर आए।
आते ही मीरा ने सैम को गले से लगा लिया। मीरा ने श्वेता से कहा, जॉन की वजह से ही हम दोबारा मिल पाए हैं। अगर वो अपना हेलीकॉप्टर नहीं लाता तो पता नहीं तुम दोनों को और कितने दिन यहाँ पर इंतजार करना पड़ता। इसके बाद सब अपने अपने घर आ गए। थोड़ी देर श्वेता से बात करने के बाद जॉन भी उसे अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। काफी रात हो चुकी थी। श्वेता बाहर टहल रही थी कि तभी उसने देखा कि सैम उसके घर के बाहर खड़ा है। सैम को देखकर श्वेता को एक पल के लिए साइमन की याद आ गई। साइमन के बारे में सोचकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। वो उसके करीब गई। श्वेता ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सैम ने जवाब दिया, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं तुम्हें देखने आ गया। श्वेता ने कहा, वैसे मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सैम श्वेता से अभी कुछ और कह पाता तभी उसका सिर जोर से दर्द करने लगा। श्वेता जैसे सावधान हो गई। उसने पूछा, सैम तुम्हें क्या हो रहा है। पर सैम दर्द के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी उसने जोर से चीख कर कहा कि मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। श्वेता उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। श्वेता की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत हॉस्पिटल में फोन करके एम्बुलेंस बुलवाया। कुछ घंटों के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर श्वेता के पास आकर बोली, चिंता करने की कोई बात नहीं, अब कंडीशन नॉर्मल है। श्वेता ने डॉक्टर से पूछा कि सैम को क्या हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से उनके सिर में दर्द उठा था। डॉक्टर ने कहा, वैसे हम इन्हें अभी डिस्चार्ज करने वाले हैं, हमने कॉल करके इनके फैमिली के एक मेंबर को बुलाया है, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। श्वेता ने कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है तो मैं जा रही हूँ, हाँ अगर कोई आए और मेरे बारे में पूछे तो प्लीज मत बताइएगा। डॉक्टर ने कहा, जैसा आपको अच्छा लगे, मैं उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। डॉक्टर को ये बात थोड़ी अजीब लगी। श्वेता ने डॉक्टर को थैंक्स कहा और वो वहाँ से चली गई। अब तुम इसी तरह यहाँ पर कैद रहोगे और मैं बाहर जाकर तबाही मचाऊंगा। नहीं प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो सैम। कोई है प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारा शक सही है, तुम्हारा पति कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक ही शरीर में रहने वाले दो अलग अलग इंसान हैं। पहला साइमन और दूसरा सैम, ठीक उसी तरह जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। या ही इज सफरिंग फ्रॉम मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब वो उस स्टेज में जा चुका है जहाँ से उसे बचा पाना नामुमकिन है। तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है कैप्टन, तुम सबके लिए मौत एक नया पैगाम लेकर आई है। तुम्हारे पूरे शरीर पर काबू पाने का समय आ चुका है साइमन। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। अलविदा श्वेता। सब के सब मरेंगे 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 सब। फिर से एक अजीब सपना।